क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड द थीटा इज 60 डिग्री. इट मींस हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है. इसमें बोला नहीं हुआ कि क्या करना है, बट इसका मतलब ये हुआ. तो रेडियस, रेडियस मींस आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड थीटा. ये सर्कल है हमारे पास, ये सेंटर हो गया जिसकी रेडियस कितनी है आर 6 सेंटीमीटर है, और ये जो थीटा है ये 60 डिग्री है. हमें इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है. ओके स्टूडेंट, क्या करना है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है. तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला थीटा बाय 360 में पाई आर स्क्वायर. तो एरिया या एरिया ऑफ सेक्टर या रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है हमारे पास, थीटा 60 आर में तो वैल्यू पुट करनी है ना, तो 60 बाय 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या रख दे 22 बाय 7 इंटू में आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, हाँ जी कितने पे कट गया ये 6 पे, एक 6 से एक 6 हमारा कैंसिल, ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसको अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपको इसको डेसिमल में बदलना हो तो डेसिमल में बदल लो, अदरवाइज हमारे पास ये आंसर आ गया. ओके हमने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में सिर्फ थीटा रखा है और रेडियस रखी है. आई होप समझ आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.